नमस्कार दोस्तों, सुखदेव थापर जन्म 15 मई 1907 को लुधियाना पंजाब में, जो कि ब्रिटिश इंडिया का शासन में था। स्वर्गवास 23 मार्च 1931 सेंट्रल जेल लाहौर। वर्ष 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन हुआ। इसके मुख्य योजक सुखदेव, भगत सिंह, यशपाल, भगवती चरण व जयचंद्र विद्यालंकार थे। सुखदेव को भारत के उन प्रसिद्ध क्रांतिकारियों और शहीदों में गिना जाता है जिन्होंने अल्प आयु में ही देश के लिए शहादत दी। सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। देश के और दो अन्य क्रांतिकारियों भगत सिंह और राजगुरु के साथ उनका नाम जोड़ा जाता है। ये तीन ही देशभक्त क्रांतिकारी आपस में अच्छे मित्र और देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व नौछावर कर देने वाले में से थे। 23 मार्च 1931 को भारत के इन तीनों वीर नौजवानों को एक साथ फांसी दी दी गई। क्रांतिकारी जीवन। वर्ष 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन हुआ। इसके मुख्य योजक सुखदेव, भगत सिंह, यशपाल, भगवती चरण व जयचंद्र विद्यालंकार थे। असहयोग आंदोलन को विफलता के पश्चात नौजवान भारत सभा ने देश के नवयुवकों का ध्यान आकृष्ट किया। प्रारंभ में इनके कार्यक्रम नैतिक, साहित्यिक तथा सामाजिक विचारों पर विचार गोष्ठियां करना, स्वदेशी वस्तुओं, देश की एकता, सादा जीवन, शारीरिक व्यायाम तथा भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता पर विचार आदि करना था। इसके प्रत्येक सदस्य को शपथ लेनी होती थी कि वह देश के हितों को सर्वोपरि स्थान देंगे, परंतु कुछ मतभेद के कारण इसकी अधिक गतिविधि ना हो सकी। अप्रैल 1928 में इसका पुनर्गठन हुआ तथा इसका नाम नौजवान भारत सभा ही रखा गया तथा इसका केंद्र अमृतसर बनाया गया। शहादत ब्रिटिश सरकार ने सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु पर मुकदमे का नाटक रचा। 23 मार्च 1931 को उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। देशव्यापी रोष के भय से जेल के नियमों को तोड़कर शाम को 7:30 बजे इन तीनों क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया। भगत सिंह और सुखदेव दोनों एक ही सन में पैदा हुए और एक ही साथ ही शहीद हो गए। दोस्तों, ये था महान क्रांतिकारी सुखदेव थापर की कहानी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के पास ला सके। तो दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट। तो आज का वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। नमस्कार।